वो आज यहां बैठे हैं ते जी अपनी कोई तालियां बजवाना चाहते सर नहीं, बल्कि उन्होंने अपना वक्त खुदा को दिया। इसलिए नहीं कि भाई कमान हर संडे सारे काम छोड़ के इथे बैठ जाते हैं। बहन निशबा, बहन सॉरी मुझे बहन बहन बुशरा मेरी ये बहन, भाई ये सब आपको एक बात बताओ, स्कूल च जाओ ना अगर ताकि हाजरिया ना ना कटिया हो तो यकीन जानो कि ओदे भी 10 नंबर मिल जाते पेपर च, ऐसे होता है क्या नहीं, उसके भी 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। आज आपको 10 नंबर मिलना शुरू हो क्योंकि आप खुदा के साथ बाकायदा हो। आज जरा बंदा खुदावन का बकायदा ना, उन्होंने दो गल आज मेरे पास दो बाइबल, एक ये इंडियन ऑडिशन है इंडिया से छपा हुआ, ठीक है, एक ये हमारे पास पाकिस्तानी है। मैं चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस में से निकाले में मुकाशवा उसका 19 बाब और उसकी पहली आयत, मुकाशवा उसका 19 बाब और पहली आयत। मैंने आज दो एडिशन क्यों खोले, एक कैथोलिक की बाइबल भी है एक प्रोटेस्टेंट बाइबल भी है, एक प्रोटेस्टेंट बाइबल है। कोई कहता है जी, बहुत से लोग कहते हैं बाइबल्स बदल गई है जी, पता नहीं की लॉजिक है लोग आती है, लेकिन आज कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। एक चीज ही काफी है, अगर समझने वाला समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सवाल उठाने के लिए तो हम माँ बाप पर उठा देते हैं, तो फिर कलामे मुकद्दस है, हम तो कलामे मुकद्दस को छोड़ते ही नहीं, इसके तो सवाल मुकदे ही नहीं। जेडे साडे सामने जाहरी तौर पर रोटी खुआ रहे प्यो असी उन्हों भी गलत कह देते हैं, तो कलामे मुकद्दस को हमें दुनियावी और रूहानी दोनों तरीकों से बरकत देता है। हम निकाले गए मुकाशवा की किताब उसका 19 बाब और उसकी पहली आयत, एक नंबर की आयत। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मुकाशवा उसका 19 बाब उसकी पहली आयत। इसके बाद मुझे यूं सुनाई दिया, गोया आसमान पर कोई बड़ी भीड़ बुलंद आवाज से पुकार कर कह रही है कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। फातला का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। खुदा का शुक्र है। मैं आपसे एक बात पूछूंगा जिन्होंने बाइबल्स खोली हुई है, पाकिस्तानी ऑडिशन में भीड़ लफ्ज लिखा नहीं है, क्या लिखा हुआ है, जमाए, मतलब कि जो इंडियन ऑडिशन हमारे पास आया ये तशरी में आया, और ज्यादा सिंपल वर्ड में, ठीक है। आज हमारे पास जो बाइबल्स हैं, किसी के पास कैथोलिक है, किसी के पास प्रोटेस्टेंट है, तो लोग कहते हैं जी कैथोलिक वाला अगर बाइबल बदल देती है, या कुछ लोग कहते हैं जी प्रोटेस्टेंट की जो बाइबल है वो हर जगह पर एक जैसी है। मैं अगर इसी को इंग्लिश के ऑडिशन में पढ़ूंगा तो और भी लफ्ज चेंज हो जाएंगे, लेकिन लफ्ज चेंज होंगे, बात तब्दील नहीं होगी मेरे अजीजों। बात इसलिए तब्दील नहीं होगी क्योंकि वहां पर भीड़ ही है, वहां पर जवाब ही है जो खुदावंद के नाम के लिए हालेलुया का नारा लगाते हैं। यहां पर जो हमारे पास पाकिस्तानी ऑडिशन है उसको पढ़ेंगे तो यहां लिखा है मुकाशवा उसका 19 बाब और उसकी पहली आयत। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से यह कहते सुना कि हालेलुया, हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाय से बरकत हो, खुदावंद का शुक्र। अब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वो जो इंडियन ऑडिशन है गलत है, इंडियन ऑडिशन गलत हो गया जी, उच्च ने जमात लिखी ही नहीं, उच्च ने लिखा भीड़ है। क्या आप लोग जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में ये जो अंजील मुकद्दस है इसके अंदर जो लूका मत्ती योहन्ना
इनकी जो किताबें हैं इनके अंदर एक जिक्र बार बार है, कौन सा जिक्र है कोई जानता है? जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया, जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया, उनके वर्ड्स चेंज हुए, लव्स चेंज हुए, लेकिन खाना तो रब ने खवाया थी ना, रब ने पुत्र नहीं खवाया ना। हम क्या करते हैं, काकी के पंजाबी चवाले काकी के गेड़े च रहते हैं, क्योंकि काली कह रही होते चीन कह सकते नीम ली कह सी, मेरा मतलब है कि पांच या चीजा फर्क नहीं हो तो बाइबल बदल गई। बहुत से गैर मजाहब आज भी खुदावंत की 3.5 साल की मुनादी पर ही इशू खाते हैं और उनके नबी जो है वो सारी उम्र जी के गए हैं लेकिन फिर भी वो 3.5 साल की मुनादी पर ही लड़ रहे हैं। 3.5 साल इतना ही खासी होता, लेकिन उसकी मुनादी सिर्फ मोहब्बत की थी, इसलिए दुनिया आज उसकी मोहब्बत पर उंगली उठाती है। कुर्बानी देना आसान नहीं, वो भी अपनी ही जान की, एक कम 40 कोड़े साड़ी कमर च कोई चपेड़ मार दे तो साड़ा दिल करता है भावे कोई भी हो चपेड़ साढ़े को खा, तेन पता लगे कि भावे की। उसने एक कम 40 कोड़े लाए, फट गया होगा, लीरो लीर हो गया होना जिसम, उसने सर पर कांटों का ताज रखा। हमें एक सुई चुभ जाए तो हम कितनी देर ही बैठ पड़ा है कि हमारी यौरा दे कितनी पैड़ी में चीज़ है। उसने कांटों का ताज रखा। आज हम जिस खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं उसी के नाम से हम मसीही कहलाते हैं, उसी के नाम से मसीही कहलाते हैं। अदरवाइज डोंट यू थिंक दैट यू हैव अ रिलीजन, तुम ये नहीं सोचो कि तुम्हें खुदावंद ने कोई मजहब दिया, उन्हें तो मजहब देता ही नहीं, मेरे को दिखावे मैं भी शायद गलत हो सकता, हो सकता मैं गलत हुआ ना। हम सिर्फ अपने खुदावंद के नाम के साथ हैं, हम मसीह खुदावंद को मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम मसीही हैं। अदरवाइज हम मसीही सिर्फ उसके नाम से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे अजीजों ये बात याद रखें कि मसीही होना ये लकब है, मजहब नहीं। मसीही एक तालीम है, मसीह बजाते खुद एक कुदरत है, मसीही बजाते खुद एक खुदा है, मसीही बजाते खुद शफा का मौका है, मसीही बजाते खुद मुश्किल कुशा है, मसीह बजाते खुद आपका निजात दहिंदा और आपकी जिंदगी को बदलने की कुवत रखने वाला। आज हम लोग मसीही बने बैठे, हम किस किस्म के मसीही हैं? हम ऐसे मसीही हैं कि हम मुंह से तो उसकी जय जयकार करते हैं लेकिन दिल से हम उसके नहीं हैं। जब तक जिंदगी में हमें झंझोड़ा ना जाए तब तक हम खुदावंद को एक्सेप्ट नहीं करते। अपनी गल कर रहे हैं, ताड़ी की गल है, ये सच है। जिन्नी देर तक मैनू निचोड़िया नहीं गया, मेरे अंदरों अबलीस ने निचोड़ के कट नहीं ना दिता गया, जिन्ना हराम खाता सी उन्हें निचोड़ के कट नहीं ना दिता गया, जिन्नियां मैं लड़ाइया ते आकड़ रखी सी और जिन्नी देर तक निचोड़ के कट नहीं ना दिती गई, जिन्ना मैं बॉडी बिल्डर था और निचोड़ के कट नहीं ना दिता गया, जिन्ना मैं अपने आप में सोना समझना हाँ और नहीं निचोड़ के कट नहीं ना दिता गया, उन्नी देर तक मैं खुदावंद की बारगाह शामिल नहीं हो सकता। जो मेरे बहन भाई जैसे ब्रदर रुमान, आज अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा मेरे साथ तकलीफ में रहा है, जो मेरे साथ हॉस्पिटल में जाता रहा, मेरी केयर करता रहा, यहां तक कि मैं रुमान को कॉल करके यहां तक कहता रहा रुमान घर पैसे नहीं है कि मेरा पुत्र मेरे नाल खड़ा होना चाहिए, मेरा छोटा वीर मेरे तक लौटा होना चाहिए। मुझे कभी नहीं आज तक लोग पता क्या सोचते हैं, तो जी पादरी अपनी अपने भैने हालात नहीं दस दे, मैं तो इसको लाइव बता रहा हूं, स्पीकरों की वसासत से दुनिया को बता रहा हूं कि किन हालातों में से गुजरा हूं। जेड़े बंदे का वजन 120 किलो होवे और वो कहता है कि मैं मिस्ट्री यूनावा की तैयारी कंप्लीट कर चुका हूं, तो बंदा नुचड़ के 39 किलो 39 kg मतलब सिर्फ 39 किलो 39 किलो का रह गया होवे उसका की पिटा होगा। लोग मैंने कहता निशाई है अज इस वक्त तक ना हो
अपने अंदरों गुरूर खत्म कर लो, अपने अंदरों मैं मार छोड़ो, ताकि तुसी भी उस जमात में शामिल हो जड़े हालेलुया दे नारे लगा। आज मैं बड़े फखर से कहता हूं, मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करता कि उन्होंने मेरे को वो चीज सिखा दी जिदे लिए मैं 38 साल बर्बाद कर दिए। मैंने 2 साल खुदावंद को वो चीजा हासिल की जड़िया मैं कभी सोचिया भी नहीं सकता। मुझे आज भी याद है मेरे साथ बहन लिशवा थी, मेरी मिसेस थी, हम लोग यहाँ यमुनाबाद में 40 क्वार्टर है, वहां पर आप दुआ करने जाते थे। एक दिन मैं बहन लिशवा और अपनी मिसेस के साथ, बेटा जॉन भी शायद साथ ही था, हम वापस आ रहे थे, तो मैंने बातों बातों में कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं दुआ करूं तो खुदा शफा मुहैया करे, मेरी ख्वाहिश है कि खुदा मुझे बरकत दे जिसके लिए दुआ करो वो सुनी जाए। नवा नवा पादरी तो नवी नवी ख्वाहिशा है, नवे नवे नोट तो नवी नवी गड्डी, नवे नवे नोट तो वड्डी सारी कोठी, लेकिन मैं खुदावंद को कोठी नहीं सी मांग रहा, मैं खुदावंद को कुदरत और मोहब्बत मांग रहा। आज आप भी खुदावंद से मोहब्बत मांगो। भाई साहब कितनी देर आपने पैसा कमाया, ढेरों, हमने अपनी आंखों से देखा है कि भाई साहब भी जड़ी शॉपिंग थी वो पेज तो थले होती नहीं सी, एक बंदे की मंथली सैलरी 30-40 हजार लोग आराम से कमा लेते थे, वो एक गेम बेचकर 10 हजार कमा लेते थे। Am I right? गलत बात तो नहीं करता। भाई नुमान पेशेंट केयर का काम करते थे और 50-50 हजार 60-60 हजार तक की सैलरी पर काम किया हुआ। भाई नुमान ने सिक्योरिटी का काम भी किया, गार्ड का भी, मैंने और भाई नुमान ने किया हुआ। कहने का मकसद यह है कि पैसा आता है लेकिन आपकी जिंदगी में खुदावंद किधर है, आपकी जिंदगी में खुदावंद किधर है, दूर दूर तक कोई ना, जुबान से तो तुम मुझे हालेलुया भी बोलो, एथो बोलो ना, एथो बोलो तुम पता लगे निचोड़ा क्या था, इस तो पहले कि ध्यान मुसीबत आवे ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਚੜ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਦਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਰਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਖੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। 103 ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸੋਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 103 ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉਸੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣਾ ਨਹੀਂ ਫੱਟੇ ਦੇ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਇੰਝ ਸੁਣਦੀ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਡੈਸਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੁਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜਮਾਇਤ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਮਜੀਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਵਾਂ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਲੇਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਤਾ ਹੈ, ਆਏ ਬੇਟੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਸਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਚ ਸੂਰ ਕੱਢੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਮੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਕੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਤੋ ਭਾਈ ਰਫਾਕਤ ਪਰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਬ ਹਮਾਰੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਬਾਹਰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਰਫਾਕਤ ਇਤਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬੈਠ ਸੇ ਕਿ ਜਬ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਫਾਕਤ ਕੋ ਫੀਲ ਹੁਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਗਾਡ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਤਾਕਤ ਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਕੇ ਪੀਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਔਰ ਦਬਾ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ।
क्योंकि असी खुदावन चा असी टिकांग नहीं बल्कि खुद खड़ा कर। आज के बाद ये बात याद रखे, गिरना नहीं है, हमने खड़ा करना। हमारी मसीही कौम गिराने के लिए नहीं है, वो खड़ा कर देती है। मसीही कौम आपके बदलों में कुवत डाल देगी। उसका कलाम इतना पावरफुल है कि आप रूह कुदस से भर जाओगे और दुनिया आपको कहेगी ये तो शराब के नशे में है, ये मेरा ये देखो की करता है, रोला पाता है। अमाल की किताब चली है कि जो उन्होंने रूह कुदस हाथ की मान उठा के ठहरी आज हम में से कोई भी इतनी जल्दी खुदावन में नहीं आ रहा, हम पर नहीं ठहर रही होती, हम पर नहीं आग आ रही, ना वो आंधी का सन्नाटा आता है, क्योंकि हम लोग वैसे नहीं। कितने शागिर्द थे तो बता सकते हैं, कितने शागिर्द थे, कितने हमने कितने शुरू से सुना ना बारह। अमाल की किताब कहती है कि तकरीबन 120 शामिल, उसमें उसकी मां मुकद्दसा मरियम भी शामिल थी। बहुत से लोग कहते हैं बाइबल में तो कहीं जिक्र ही नहीं कि खुदावन को मरियम को उसकी मां कहा। बहुत से प्रोटेस्टेंट कहते हैं तो अमाल की किताब निकाले जहां पर लिखा है तकरीबन 120 उस वक्त तकरीबन 120 की जमात शामिल थी, उनमें मुकद्दसा मरियम भी शामिल थी जो यीशु की मां थी। बहुत सी बातें हैं जो हम गहराई से पढ़ने के बजाय तोहमत लगाते हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि हमें बरकत क्यों नहीं मिलती। याद रखिए खुदा का पाक कलाम आपको आज ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कलाम हमें निचोड़े ना, हम उस जमात में शामिल हों एस तो पहले किसान पैन एस तो पहले किसान फंसीए पहले ही खुदा की जमात में शामिल हो। तंगी आती है जब मैंने शुरू की खिदमत शुरू की तो उसके 1.5 साल के बाद मेरे ब्रदर सैम और बेटी सैनी से बात हुई। मैंने इनसे कहा कि आप ये काम क्यों नहीं करते, आप घर में संडे स्कूल स्टार्ट करो। तो भाई सैम ने कहा भाई आजकल मैं काफी टाइट हूँ। मैं कहा छोड़ दे टाइट हूँ काम, छोड़ो फारिग नहीं काम, संडे स्कूल शुरू करते खुदा घर पर कर दे। हुआ क्या, आज वो बंदा मेरे चर्च का आया है। ऐसी तब्दीली संडे स्कूल से शुरू हुआ और आज वो दोनों मियां बीवी मुझे कहते हैं कि हमें आगे बुलाओ, हमने दुआएं करनी है। कि कितने हो दोनों मियां बीवी, दुआ से पहले जरूर होंगे पर आगे जाकर दुआ कर तो शर्माते होंगे। आज जब दोनों मियां बीवी कहते हैं भाई हमें भी बुलाया कर दुआ कर, बड़ी सैरिश भी कहती है भाई सैम भी कहते हैं हमें भी बुलाया। उनका 2-3 साल का बेटा है, उसे पूछा जाए कि तुम्हें बरकत किसने दी है, तो बड़े चलता फिरता यूं ही चलता चलता कह देगा जीसस पापा है। मतलब दान उसके बाप की तरफ है, क्वेश्चन की तरफ है, लेकिन उसको यकीन है कि सब चीजें कौन देता है, जीसस पापा। आज हमारी जिंदगी में खुदा उनके नाम की तमजीद तब होगी जब हम चीजों का यकीन रखें। हम पर जब मुसीबत आती है ना तो बाइबल मुकद्दस साफ कहती है कि इंसान अपनी ही ख्वाहिशों की वजह से मर जाता है, फंस कर मर जाता है। मत्ती की अंजील में लिखा है। आज हम लोग पर बड़ी ख्वाहिशें हैं, मेरे को गड्डी चाहिए, मेरे को कार, मेरे को भी गड्डी चाहिए, साफ कह रहा हूँ लाइव में कड़ी गल। हाँ मैं भी मांग रहा कि खुदा वाला मेरे को कैरी डब्बा चाहिए क्योंकि मैंने बहुत से लोग अपने शहर बनाते हैं, अपने कराची बनाते हैं दुआ करा ली, पर मैं किने चुक के ले जावा सारा खुश क्योंकि मैं मेरे नाल किने जने होंगे भाई हो जाएंगे एक दो ते साउंड सिस्टम चुक के ले जाना किसी ने घर इंतजाम करना ते अगर सानू कोई लोड़ो बाहर बुला ले तो खुदा वाला मेरे को कई बार पैसा नहीं होता कि मैं जा सका। सानू इस्लामाबाद कॉल की गई, सानू कराची कॉल की गई, साहिवाल तीन बारी गए हूँ भी सारे छत्ती चक चौथी चक च बुलाया जा रहे हैं चार दे रही सानू पैसा की जरूरत है। लेकिन अगर मेरे को अपनी ट्रांसफर होगी मैं जिधर मर्जी ना जाऊंगा मुंह चुकाऊंगा केर पावा मेरे निकल जाऊंगा, लेकिन मुंह चुकाकर के लिए इंसान नहीं
बल्कि खुदावंद ने कलाम ली और खुदावंद ने मैनू हमेशा सरफराज किया। अज तक जितों तक मच किसी चीज की कमी नहीं आई। मैं एक रात भी तनखा नहीं सीखा अपने 10 साल की शादी एक रात अच्छे सुनते हैं लेकिन खिदमत घर रहें एक पल तनखा नहीं सीखा। मैं भावे टमाटर ना रोटी क्यों ना खा रहा मैं भावे एक रोटी क्यों ना खाव मैं भावे ढिड भर के क्यों ना खावा मेरा खुदावंद मेरे को तनखा नहीं सीखा। आज आपकी जिंदगी में तमजीद और हमद करने का वक्त है क्योंकि आप भी अपने आप को टटोल के देखें कौन कौन है जो प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है केड़ा केड़ा इधर मसले में सारे फंसे कोई भी नहीं। मैं गिनती शुरू करा देनी है सारे ने दस हाथ चुक लेना। हर इंसान मैं भी फंसा हूं भाई मेरी बहनों असली भी फंसे हैं। हर इंसान किसी ना किसी मसले किसी ना किसी ख्वाहिश में फंसा होता है लेकिन आप अगर बाइबल मुकद्दस पत्रस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसका 7 आया उसके अंदर लिखा है अपना सारा फिक्र खुदावंद पर डाल दे क्योंकि वो तेरी फिक्र करता है। छाड़ दो क्या नुमान भाई आपके बच्चे फीस खुद कमा के देते हैं कौन देते हैं आप ही कमा के देते मतलब बच्चे परवाह ही नहीं आप ही दवेगा जो तुम कमा के मैं प्यो दे भाई जब आप अपने बच्चों के लिए अभी भी आप कमाते हैं तो कभी आपके बच्चों ने पूछा आपसे आटा कितना आया नहीं पूछ रहे नहीं पूछ रहे क्योंकि उन्होंने रोटी मेरे लिए ये बच्चा ही है ना जॉन इसको सिर्फ किस चीज से मतलब है मेरा बाप मेरी ख्वाहिश पूरी करे इसको इस चीज से मतलब नहीं है कि वो ख्वाहिश कैसे पूरी करेगा। आज हमें भी इसी यकीन के साथ खुदावंद के आगे झुकना है कि मेरा सारा फिक्र खुदावंद तू चुपड़ है तूने ही बचाना है तू ही कट में मैनू पता नहीं है मेरे कख नहीं आता बहुत सी प्रॉब्लम में फंसा हुआ। सच बात है इस चर्च के शुरू होने से लेकर अभी तक बड़ी दबाव प्रॉब्लम में बचे हैं। बहन विश्वास कई चीजों को जानती है कैसे कैसे प्रॉब्लम को हमने फेस की है बेटा जॉन को जानता है मोहब्बत के साथ साथ हमें मुखालफत भी फेस करनी पड़ी है। हमने मोहब्बत खुल के की हमें मुखालफत फेस करनी पड़ी हमने खुल के मदद की हमें बेइज्जती फेस करनी पड़ी हमने बहन लिश्मा और मैं हमें एक दफा हमें किसी ने कहा कि हम आपको देख देते हैं कि आप यतीम खानों में दे रहे हमें यतीम खाने में देखने नहीं गए तो उन्हें देख पूरी मंगवा ली यतीम खाने वाले ने पूरी देख मंगवा ली तकरीबन 20 किलो सॉरी 12 किलो चावल और 10 किलो की उसमें वो थी गोश्त हाँ तकरीबन 20 किलो उसके पास जब चावल गए तो वहां जाकर पता लगा हमारे पास तो 6 बच्चे हैं 6 बच्चों के लिए उसने इतनी बड़ी देख मंगवाई। मैं बहन विश्वा और मेरी मिसेस हम वो देख उठाकर वहां पर चावल दिए क्यों मेरी बहन ऐसी फिर अगले ऑर्फनेज में फिर अगले ऑर्फनेज में फिर अगले ऑर्फनेज में क्या हमें जिसने देख दी हम उधर देते वो खराब होती तो उन्हीं की जिम्मेदारी है लेकिन जिम्मेदारी उनकी नहीं थी जिम्मेदारी हमारी थी कि हमने आज उन 8 बच्चों को खाना दिया फिर हमने अगले 10 को दिया फिर हमने 15 को दिया और देखते ही देखते हमने कईयों की मदद कर दी। हमारी जिंदगी में खुदा का होना तब जरूरी है जब आप अमली तौर पर कुछ करते हो और अमली तौर पर आप तब करते हो जब आपके अंदर कलाम का बीज होता है। आपके अंदर कलाम का बीज होगा तो आप उस जमात में होंगे जो इस तमाम बातें कर सकेंगे। अच्छा जी मैंने आज आपको अपनी गवाहियां शेयर की हैं ठीक है अब आप कहते होंगे खुदावंद के कलाम में तो जमात खड़ी हुई है हालेलुया के नारे ऐसी है तो भाई साहब ने तो अपनी गवाहियां शेयर कर दी हैं। मैंने सबसे पहली बात आपसे शेयर की कि मैं तकलीफों से निजात पा लिया ठीक है यहां लिखा है और बात इन बातों के बाद मैंने आसमान पर खोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना हालेलुया निजात तकलीफों से भाई जलाल खुदावंद का देखा और कुदरत हमारे खुदावंद ही की है जिसने आज मुझे यहां खड़ा किया। ये था आज का कलाम। इससे पहले आप लोग भी गवाहियां शेयर किया
मैं सच बोल रहा हूँ, चंद दिन तक हम एक कोशिश कर रहे हैं, खुदा कहीं से मुहैया करेगा। तो हमारे यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के अंदर जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसके अंदर लिखेगा, या मिसेस को बोलेगा वो लिख देगा, भाई नवान लिख देंगे, भाई सैम लिख देंगे, मेरी बेटी सैरिश लिख देगी, भाइयों में से कोई लिख देगा, लेकिन उसकी वो रिक्वेस्ट वहां लिखी जाएगी। फिर याद दहानी रहेगी, हर संडे इसके लिए दुआ करनी है, हर ट्यूजडे इसके लिए दुआ करनी है, हर रोजा रात 9 बजे हमने इनके लिए दुआ करनी है। देखना कि आप बहुत जल्द उसके आगे गोल्डन स्टार लगा राइट कर देखते हैं कि खुदा हमने मेरी दुआ को सुन ली, क्योंकि हम मुत्तफिक हो जाएंगे उनके लिए। और जब आप मुत्तफिक होंगे तो आप निजात देखेंगे, खुदा उनका जलाल देखेंगे, और फिर आप कहेंगे खुदा तेरी कुदरत बहुत बड़ी है। आज आपके घरों में भी जिस चीज की प्रॉब्लम है, जिस चीज के लिए भी आप टेंशन लेते हैं, वो निकल जाएगा, उसका जलाल आप देखोगे और उस कुदरत से आप मामूल हो। समझ आई आज की कलाम की, कि मैं आज दवाइयां क्यों शेयर की, सारी गलां क्यों की थी, मेरे तो आकर की सच भी नहीं सी। नुमान भाई और हम, नुमान जो एल्डर नुमान है, मैं चाहूंगा सामने आए। मैं आपको बताता जाऊं कि मैं आज बहुत सी बातें, ये नुमान जो कि मेरा छोटा भाई भी है और चर्च का हैंडल भी है, और बहुत सी तकलीफें और बहुत सी खुशियां और बहुत सी हरकत नुमान ने देखी हुई है हमारी। बॉडी बिल्डिंग करता था तो खुद को इंसान नहीं समझता था, बहुत बड़ी चीज समझता था। जब लड़ाई झगड़ों में आया तो खुद को बड़ी चीज जाना, लेकिन जब मैं कलाम के साथ जुड़ा तो मैं अपने इस बेटे को भी कहता हूँ, उपाया मैं पास्टर जरूर हूं पर मेरी जी कुदरत हुई, कुदरत सिर्फ ये सुना। हालेलुया, इसलिए आज और अभी इस बात को याद रखें कि सारी कुदरत ये सुना। लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं ना, तो किसी का 10,000 गवाचे ना तो चीफ जाता है, हमने करोड़ों गवाए हुए प्रॉपर्टीज के काम में, हमने करोड़ों की डीलें करवाई हैं, और बाद में हम ही को मक्खन में से पाल की तरह निकाल दिया गया, हमने कभी झगड़ा नहीं किया। ऐसे ही आज आप लोगों के लिए बड़ी बात यह है कि आप भी खुदावंद पर छोड़ दो खुदावंद अपनी औलाद की परेशानी, कि मेरी बेटी की गलती है, मेरा बेटा की गलती है, खुदावंद तेरे हाथ से जिंदा हूं, कोई सी बात नहीं। मैं थक गया वहां ऐ कह कह के, कि मेरे पुत्र मैं तेरे चपेड़ा मार रही है, मेरी धी मैं तेरे कुटा की, मेरे पुत्र मैं तेरे किसी मेरे हथी अंदर करा देना, यह चीजा छाट दी, बल्कि हुन वड्डी लालच पहुंच सैशन, दुनिया की वड्डी सैशन को, हाई को, दुनिया को वड्डी झुक जाओ और खुदावन से कहो कि खुदावन मैं तेरी निजात देखना चाहता हूं, आई खुदावंद मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूँ, तेरी कुदरत देखना चाहता हूँ, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा